दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। तो दोस्तों हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कोई भी रूलर या लीडर अपनी मर्जी से गवर्नमेंट को रन नहीं करा सकता है, बल्कि कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जिनका पालन गवर्नमेंट को देश में रहने वाले सभी सिटीजंस को करना पड़ता है। तो ये जो रूल्स एंड प्रिंसिपल होते हैं किसी कंट्री के, वही मिलकर बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम इस चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, उसे कौन बनाता है और किस तरीके से बनता है। अगर एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो क्या हम बदलती कंडीशंस के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस ला सकते हैं? अगर हाँ तो वो कैसे ला सकते हैं? तो ये सब सवाल आपके दिमाग में जरूर उठ रहे होंगे, और अगर नहीं उठ रहे हैं तो एग्जाम के टाइम पे पक्का उठेंगे। इससे अच्छा है कि हम इनको पहले ही पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है साउथ अफ्रीका से। तो पहले क्या था कि जो साउथ अफ्रीका थी उसमें तीन तरीके के लोग रहते थे, व्हाइट, ब्लैक और कलर्ड। कलर्ड यानी कि वो लोग जो ना ही गोरे थे और ना ही काले थे। अब जो साउथ अफ्रीका थी उसमें दिक्कत क्या थी कि जैसे हमारे इंडिया के ऊपर गोरे लोगों ने राज किया था, ठीक उसी प्रकार से जो व्हाइट माइनॉरिटी थी वो साउथ अफ्रीका के नॉन व्हाइट लोगों पर राज करती थी। मतलब साउथ अफ्रीका में काफी ज्यादा भेदभाव होता था उनकी स्किन कलर के बेसिस पर, और ये डिस्क्रिमिनेशन करवाता कौन था? जो वहाँ की व्हाइट गवर्नमेंट थी। इससे जो नॉन व्हाइट पीपल्स थे उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जैसे कि जो नॉन व्हाइट पीपल्स थे उनको व्हाइट्स के एरिया में रहने की परमिशन नहीं थी, रहने की तो छोड़ो उनको वहां पर जाने तक की भी परमिशन नहीं थी। अगर जाना भी होता था तो उसके लिए उन्हें परमिट चाहिए होता था। साउथ अफ्रीका में जितने भी पब्लिक प्लेसेस बने हुए थे वो ब्लैक्स के लिए अलग होते थे और व्हाइट्स के लिए अलग होते थे। जैसे कि आप इस पिक्चर में देखो तो ये वाली जो सीढ़ियां हैं वहां से केवल गोरे लोग ही जा सकते थे और यहां से केवल काले और कलर्ड लोग जा सकते थे। ऐसे ही ये वाली जो चेयर है वो व्हाइट्स के लिए थी, वही ये वाली जो चेयर है वो नॉन व्हाइट्स के लिए थी। इनके अलावा जो स्कूल्स थे, हॉस्पिटल्स थे, सिनेमा हॉल्स थे, टॉयलेट्स थे, वे व्हाइट्स के लिए अलग अलग थे और नॉन व्हाइट्स के लिए अलग अलग थे। पर दोस्तों मेन प्रॉब्लम ये नहीं थी कि ये अलग अलग थे, बल्कि ये थी कि वे व्हाइट्स के लिए सारी चीजें अच्छी थी, मतलब लग्जरी थी, वहीं ब्लैक्स के लिए सब चीजें पुअर फैसिलिटीज की थी और ना ही ब्लैक्स को वोट डालने का अधिकार था। तो ये जो कलर डिस्क्रिमिनेशन था लोगों के बीच में, इसी को कहा गया अपार्थाइड सिस्टम। अब जो भी इस अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ होता था उसे मार दिया जाता था या फिर उसे जेल में डाल दिया जाता। तो जो नेल्सन मंडेला थे उन्हें भी 1964 में जेल भेज दिया था क्योंकि उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार व्हाइट लोग ब्लैक्स पर अत्याचार करते थे, लेकिन जो ब्लैक लोग थे उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वे लगातार प्रोटेस्ट करते गए और व्हाइट गवर्नमेंट के खिलाफ अपने अधिकार के लिए लड़ते गए। और इन सबको लीड कर रही थी एक पार्टी जिसका नाम था ANC यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो दोस्तों इन सब ने मिलकर कई सालों तक प्रोटेस्ट किया जिसका रिजल्ट ये निकला कि जो व्हाइट गवर्नमेंट थी उसको झुकना पड़ा, क्योंकि व्हाइट गवर्नमेंट को अंदाजा लग चुका था कि जो ब्लैक्स है वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो व्हाइट गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितने भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे उनको हटा दिया और जो ब्लैक्स की पॉलिटिकल पार्टीज पर बैन लगाया हुआ था उसे भी हटा दिया। अब जो नेल्सन मंडेला थे वो 28 साल बाद जेल से बाहर आए और फाइनली 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका को आजादी मिल गई इस अपार्थाइड सिस्टम से, और जो नेल्सन मंडेला थे वो वहां के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। अब जैसे ही नेल्सन मंडेला वहां के प्रेसिडेंट बने तो ब्लैक्स के पास पावर आ गई। अब ब्लैक्स के पास दो ही ऑप्शन थे कि पहला कि वो व्हाइट से बदला ले लें या फिर उनको माफ कर दें और एक नई शुरुआत करें, और लोगों ने यही किया। तो जो ब्लैक लीडर्स थे उन्होंने कहा कि हम सारी पुरानी बातों को भूलकर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें सबको समान अधिकार मिले, फिर चाहे वो ब्लैक्स हो फिर चाहे वो व्हाइट हो। तो दो साल की लंबी डिबेट और डिस्कशन के बाद एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसमें साउथ अफ्रीका के हर एक नागरिक के पास समान अधिकार थे। सो फाइनली आज साउथ अफ्रीका के पास अपना एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसकी वजह से वहां के लोग आज खुशी खुशी रहते। Why do we need a constitution? आखिर हमें constitution की जरूरत क्यों होती है? तो इसे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर constitution क्या होता है। तो constitution is the set of a written rules that are accepted by all the peoples in the country. मतलब जो constitution होता है वो कई सारे written rules का collection होता है, और अगर हम simple शब्दों में कहें तो ये एक special type की book या documents होते हैं जिनमें कई सारे नियम व कानून लिखे हुए होते हैं जिन्हें देश में रहने वाले हर एक नागरिक को मानना पड़ता है। तो ये तो एक constitution की बात, पर भाई ये तो बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन आकर करता क्या है और हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है। तो पहली चीज तो यही है, इट्स जनरेट अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डाइवर्स ग्रुप। मतलब एक बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि चाहे कोई भी कंट्री हो उसके अंदर अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि उन लोगों के बीच में भरोसा और सहयोग बनाए रखता है और उन्हें एक दूसरे से जोड़े रखता है। सेकंड है, इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्मड, हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि गवर्नमेंट कैसे
बनेगी और किसके पास पावर होगी डिसीजन लेने की। थर्ड है, इट लेज डाउन लिमिट ऑन द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ द सिटीजंस आर। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों के अधिकार बताता है और गवर्नमेंट्स की क्या लिमिट्स हैं ये भी बताता है। और लास्ट है, इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये भी बताता है कि लोगों की क्या एस्पिरेशन है और हम किस प्रकार की सोसाइटी चाहते हैं। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो हमारी इंडिया है उसका कॉन्स्टिट्यूशन आसानी से बन गया हो, बल्कि जो हमारी इंडिया है उसे भी साउथ अफ्रीका की तरह काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था और कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो पहली प्रॉब्लम तो यही थी कि जो हमारी इंडिया है वो एक डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन वाली एक बड़ी कंट्री है। मतलब हमारी इंडिया के अंदर अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे जिनकी अलग अलग प्रकार की सोच थी। ऐसे में हमें सब लोगों को ध्यान में रखकर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जिससे सब सहमत हो और जिसे सब लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय हमारी इंडिया के अंदर अलग अलग रिलीजन्स के बीच में काफी ट्रॉमेटिक कंडीशंस थी। लोग आपस में बटे हुए थे धर्म के आधार पर, इनके बीच में टेंशन का इशू बना रहता था। तो अब समस्या ये थी कि हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जिसमें कोई भी धर्म निराश ना हो और इंडिया के अंदर जितने भी रिलीजन्स है उनको समान अधिकार मिले। थर्ड प्रॉब्लम ये थी कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रूलर्स पर ही छोड़ दिया था कि तुम पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो या फिर इंडिया को या फिर अपनी एक खुद की एक अलग कंट्री बना लो। से क्या हुआ कि हमें रूलर्स को मनाना पड़ा ताकि वे इंडिया को ज्वाइन कर ले। तो ये तो हुई उन प्रॉब्लम्स की बात जिन्हें हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय फेस किया था। तो अब अपन बात करते हैं कि आखिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे था। अब दोस्तों जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उन्हें पहले से ही आइडिया था कि हमारे इंडिया के लिए किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ट रहेगा, क्योंकि उन्होंने वो सारी सिचुएशंस को देखा था जब हमारी इंडिया ब्रिटिशर्स की गुलाम थी। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तो मोतीलाल नेहरू और 8 कांग्रेस लीडर्स ने मिलकर 1928 को पहले एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया था जिसमें सिटीजंस के सारे राइट्स को इंक्लूड किया गया था। अब दोस्तों जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तब इंडिया के कुछ लोगों के पास वोटिंग राइट्स थे जिससे उन्हें पता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कैसे चलती थी। तो उनके इस एक्सपीरियंस से हमें काफी ज्यादा हेल्प मिली थी जब हमारी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। इसके अलावा हमारी इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट की कई सारी अच्छी अच्छी चीजों को अडॉप्ट किया था, जैसे कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो ऐसे ही नहीं बन गया था, बल्कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने काफी ज्यादा स्टडी की थी अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन की ताकि भी हमारी इंडिया के लिए एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो ये जो असेंबली थी वो 299 लोगों की एक बॉडी थी जिन्हें देश के कोने कोने से चुना गया था इलेक्शन के थ्रू, और इन्हीं लोगों ने 26 नवंबर 1949 को इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार कर लिया और इसी कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया। इसलिए हम इंडिया के अंदर 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो दोस्तों आपको नहीं लगता कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो कई सालों पहले बना था, तो क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन को आज की जनरेशन को मानना चाहिए या नहीं, चलिए देखते हैं। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो देश में रहने वाले अलग अलग लोगों ने बनाया था जो कि देश के अलग अलग जगहों से आए थे, जिसका मतलब ये है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे डिस्कशन करके और लोगों की जरूरतों के हिसाब से बना है, और ना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और सोशल ग्रुप ने क्वेश्चन पुट अप नहीं किया है, और यही चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को दूसरों से अलग बनाती है। वहीं दूसरी और अदर कंट्रीज को कई बार कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा लिखना पड़ता है, और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में बना था। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया गया था बी.आर. अंबेडकर के द्वारा जो कि चेयरपर्सन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। उसके बाद कई सारी डिबेट और डिस्कशन हुई और 2000 अमेंडमेंट लाए गए, तब जाके हमारी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो जो वैल्यू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आज से 70-71 साल पहले थी वो वैल्यू आज भी बरकरार है। तो इससे हमें आज भी पता चलता है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन से कितने खुश हैं। गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों अब अपन देखने वाले हैं कि किनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया गया था। तो जो गांधी जी थे वो भले ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पार्ट नहीं थे, पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बहुत से लोग ऐसे थे जो गांधी जी के आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। गांधी जी ने अपनी मैगजीन यंग इंडिया के अंदर 1931 में भी बताया था कि उन्हें किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि इनइक्वालिटी को खत्म कर दिया जाए और सबको समान अधिकार मिले, और जो अम्बेडकर जी थे वो भी यही चाहते थे कि इनइक्वालिटी को खत्म कर दिया जाए। दोनों के व्यूज सेम थे, दोनों ही चाहते थे कि इनइक्वालिटी को खत्म कर दिया जाए, पर उनके रास्ते अलग अलग थे। फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
अगर हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी फिलॉसफी को समझना है तो उससे पहले हमें समझना होगा कि प्रीएम्बल क्या होता है। तो जो प्रीएम्बल है वो एक टाइप से समरी है, या पर अपन कह सकते हैं कि एक टाइप का इंट्रोडक्शन है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर हमने प्रीएम्बल को समझ लिया तो हम समझ जाएंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन किस आधार पर बना है। तो चलिए देखते हैं कि अगर प्रीएम्बल में लिखा क्या है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो कि प्रीएम्बल के अंदर लिखे हुए, चलिए इनका मतलब समझते हैं। फर्स्ट है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब होता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू बनवाया है, ये हमें किसी कंट्री ने या राजा ने नहीं दिया है। सेकंड है सोवरी। इसका मतलब होता है कि जो हमारी इंडिया है वो खुद से डिसीजन ले सकती है, चाहे वो इंटरनल डिसीजंस हो चाहे वो एक्सटर्नल डिसीजंस हो। थर्ड है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जो हमारी वेल्थ है वो सारी सोसाइटी मिलकर जनरेट करती है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वली होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑनरशिप की लैंड को रेगुलेट करेगी जिससे जो सोशल एंड इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी है लोगों के बीच वो कम हो। फोर्थ है सेकुलर। सेकुलर का मतलब है कि जो हमारी इंडिया है उसमें कोई भी सिटीजन कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकता है, हमारे लिए सारे रिलीजन समान है। फिफ्थ है डेमोक्रेटिक। इसका मतलब होता है कि इंडिया के अंदर हर एक सिटीजन्स के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हैं और भी अपना रूलर्स चुन सकते हैं, और जो सिटीजन्स की बेसिक राइट्स होते हैं उनको गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। सिक्स्थ है रिपब्लिक। इसका मतलब होता है कि जो हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट है वो कैसे होंगे, इलेक्टेड होंगे, मतलब इन्हें इलेक्शन के थ्रू चुना जाएगा। सेवन्थ है जस्टिस। तो जस्टिस का मतलब होता है कि हम सिटीजन्स के बीच में भेदभाव नहीं कर सकते। एट्थ लिबर्टी। तो इसका मतलब होता है कि हमें पूरी आजादी है अपने थॉट्स की, एक्सप्रेशंस की और एक्शंस की, मतलब हम पूरी तरीके से आजाद हैं, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नाइन्थ इक्वलिटी। इसका सिंपल सा अर्थ होता है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। टेंथ है फर्टर्निटी। तो फर्टर्निटी का मतलब होता है कि आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये जो प्रीएम्बल है वो हमें क्या बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन सब बातों का ध्यान दिया गया है। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो केवल वैल्यूज और फिलॉसफी के बारे में नहीं बताता, बल्कि हमें ये भी बताता है कि इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट कैसे किए जाते हैं। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हम बदलाव भी ला सकते हैं, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं। और ये कब ला सकते हैं, जब हमें लगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के एस्पिरेशन के हिसाब से सही नहीं है, और जब सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हो या फिर लोगों को परेशानी हो रही हो, तो हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी क्लास 9th की और भी वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।